हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने कल आरएनए के बारे में पढ़ा कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए के बारे में हमने बात भी की थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चार ग्राफ के नियम के बारे में। चार ग्राफ का नियम चाहते हम तो दो वीडियो बना सकते थे, लेकिन एक वीडियो में हमने छोटा छोटी सी अपनी बात कम शब्दों में लिख कर इसको फाइंड किया है। ठीक है, तो चार ग्राफ का नियम पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। जो इरविन चार ग्राफ ने 1950 में डीएनए में उपस्थित क्षारकों का जो है मापन किया और कहा कि प्यूरीन बराबर पिरिमिडीन। ठीक है, तो ये एक फैक्ट इन्होंने ये दिया। फिर दूसरा है, भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एटीजीसी का अनुपात भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, एटीजीसी का अनुपात भिन्न भिन्न होगा भिन्न जातियों के जीवों में, परंतु एक ही जातियों के जीवों में डीएनए में एटीजीसी का अनुपात एक ही होगा। भिन्न का क्या मतलब है? एक ये जाति है, जैसे कुत्ता और बिल्ली का ले लेते हैं, तो कुत्ता अलग जाति है, बिल्ली अलग जाति है तो एनिमल्स ही, लेकिन तभी इनका जो डीएनए होगा वो अलग होगा, लेकिन जो डॉग्स होंगे उनका डीएनए एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए, एक ही जीव जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले डीएनए के कुल अणु में क्षारकों की संख्या, जो एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनमें जो डीएनए पाया जाता है उनके जो क्षारकों के अणुओं की संख्या होती है वो इक्वल टू, देखिए अणुओं की संख्या, अभी एक संख्या पे सवाल बन जाएगा आपका जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये रहे इसका जो फैक्ट जो इन्होंने बताया था, चार ग्राफ ने जो फैक्ट दिए थे वो ये थे। अब देखिए, पूछा गया क्वेश्चन में, साइटोसिन अगर 20 है डीएनए में जो अणु, जो एक साइटोसिन है उसके अणु की संख्या अगर 20% है तो ए कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्यूरीन में क्या आता है, एजी आता है, प्यूरिन में ए जी आता है और प्रीमिडीन में सी टी आता है। ठीक है, ये ऐसे, लेकिन फिर इसको इससे ऐड कर दो, इसको इससे ए प्लस टी, ठीक है, सी प्लस जी कर दो, करना ही पड़ेगा, कर मत दो। तो यहाँ पे देखो, इसने बताया कि प्यूरीन बराबर प्रीमिडीन होता है, कि जितना ये होगा इतना ये होगा, इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि प्यूरीन जितना होगा प्रीमिडीन उतना ही होगा। तो यहाँ पे सी 20 है तो ए भी 20% ही होगा। ठीक है, जितना सी होगा उतना ही ए होगा। अब इन्होंने कहा है कि प्यूरीन बराबर प्रीमिडीन, प्यूरीन ऐसे लिखा है इन्होंने, ठीक है, ये है प्रीमिडीन, यहाँ पे जो है एजी सी टी। ठीक है, अब इन्होंने इस बारे में बताया है, अगर वो भी 20 है वो भी 20 है, ठीक है, तो अब जब दोनों 20 हो गए तो इसको हम पूरा फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, इसके जो है सूत्रों पे हम जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको लिखा प्यूरीन और पिरामिडीन। ठीक है, तो चलिए इनके सूत्रों पे चलते हैं। चलिए देखिए, प्यूरीन ये हमने आपको बताया इतना इक्वल टू इतना होता है, ऐसे इन्होंने सूत्र दिए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि सी प्लस ए कर देंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे 20 प्लस 20, यहाँ पे आ जाएगा 40%। ठीक है, और यहाँ पे 100, अब कोई पूछे कि 100 क्यों आया, तो जैसे कि हम कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये कोई पूछता है कि 100 कहाँ से आया, नहीं पूछता ना, तो वैसे यहाँ पे भी 100 का एक फंडा है। ठीक है, 100, ठीक है, यहाँ पे 40% हो गया। अब 100 माइनस 40%, ठीक है, यहाँ पे बचा 60%। अब 60% को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ गया 30%। ठीक है, ये आ गया आंसर, ये हो गया हमारा चार ग्राफ का नियम, इसके ऊपर जो पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे देखते हैं क्या क्या टॉपिक बचे हैं। ठीक है, थीके?